प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ सुदृढ़ कानून व्यवस्था के दृष्टिगत की समीक्षा बैठक। जुमे की नमाज पर प्रयागराज सहित अन्य जिलों में हिंसा फैलाने वाले आरोपियों पर गैंगस्टर व एनएसए के तहत कार्यवाही करने के दिए सख्त निर्देश। बुर्का पहनकर एक अज्ञात महिला ने कैंट थाना क्षेत्र में खड़ी कार में लगाया आग। एसपी सिटी ने कहा, अज्ञात महिला के ऊपर मुकदमा दर्ज करके की जा रही है आगे की कार्यवाही। प्रयागराज व अन्य जिलों में हुई हिंसा पर बोले जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। कहा, प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक, किसी के साथ किसी प्रकार का नहीं है भेदभाव, राज्य में खुशहाली चाहती है योगी सरकार। नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोप में फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी अभियुक्त को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एसपी सिटी ने किया खुलासा। एसएसपी डॉक्टर विपिन दाडा की अध्यक्षता में थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, थाना समाधान दिवस में आए कुल 10 मामले, मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिए गए हैं निर्देश। महान क्रांतिकारी अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जयंती पर भाजपाइयों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि, लिया उनके बताए गए रास्तों पर चलने का संकल्प। नगर निगम में बने आईटीएमएस कंट्रोल रूम का जिले के प्रभारी मंत्री तथा प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अन्य मंत्रियों के साथ किया निरीक्षण। आईटीएमएस की जानी कार प्रणाली ट्रैफिक रूल का पालन करवाने के लिए दिए सख्त निर्देश। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई व एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह की अध्यक्षता में कैंट थाने पर थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। एडीएम सिटी ने कहा, थाना समाधान दिवस में आए कुल 10 मामले, 2 मामलों का मौके पर किया गया निस्तारण, बाकी मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिए गए हैं निर्देश। लोग अब घर बैठे ही पुलिस की वेबसाइट पर कर सकते हैं EFIR। पिछले 5 महीनों में 502 मुकदमा EFIR के माध्यम से हुआ दर्ज, एसएसपी ने दी जानकारी। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने शाहपुर थाने का किया निरीक्षण। कहा, थाने की भूमि को चिन्हित कर चार दीवारी बनाने के लिए भेजा जाएगा प्रस्ताव, एसएसआई व राजस्व की बनाई जा रही है टीम। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह तथा समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव कुमार गौड़ ने निपुण भारत सेंटर का किया निरीक्षण। कहा, निपुण भारत सेंटर के माध्यम से बेसिक शिक्षा के स्कूल की निगरानी के साथ साथ छात्र छात्राओं को उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करने में मिल रही है मदद। और अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती पर जिला जेल में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। जेलर प्रेम सागर शुक्ला ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की मूर्ति पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि, लोगों को उनके पदचिन्हों पर चलने का दिया संदेश।